श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक, एक श्रोता, एक वक्ता, दो राजनगर असारवा में रहते, तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में श्री चंद्रावली जी की दो सखी हैं, वचन माधुरी और श्रवण माधुरी इनको नाम है। सो श्रोता तो श्रवण माधुरी है और वक्ता वचन माधुरी है। ये ईश्वरीते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये दो राजनगर असारवा में बनिया के जन्मे। सो दो के घर भाईला कोठारी के घर के पास हते। सो दो उनकी बालपने ते प्रीति बहुत हती। सो दो संग रहते, कथा वार्ता सुनते। पाछे दो उनको ब्याह भयो, ता पाछे कछुक दिन में दो उनके माता पिता मरे। तब ये भाईला कोठारी के घर जाइवे लगे। सो भाईला कोठारी दो उनको देवी जीव जानी, उन पर बहुत प्रीति करते, नित्य भगवत वार्ता कहते। सो दो उनकी प्रीति श्री गुसाई जी के स्वरूप में भई। वार्ता प्रसंग एक। बहुरी श्री गुसाई जी राजनगर असारवा पधारे, तब भाईला कोठारी के घर भी राजे। तब भाईला कोठारी के संगते वे दो जने श्री गुसाई जी के सेवक भये और नाम निवेदन पाए। पाछे स्त्रीन कोहू सेवक कराए। सो भाईला कोठारी के घर दो नित्य भगवत वार्ता सुनी वे को जाते। सो उआते भगवत वार्ता सुनी के जब घर आवते, तब ये दो जने मिली के वहाँ सुनी होई सो वार्ता के करते। सो वक्ता कहतो और श्रोता सुनतो। पाछे केतेक दिन में ये दो जने अपनी स्त्रीन को संग लेके श्री गोकुल आए, श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी ने इनते पूछी, जो वैष्णव तुम कब आए? तब इन कही, जो महाराज की कृपाते श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग के दर्शन आए करे। तब श्री गुसाई जी ने उन वैष्णवन पे कृपा करी के कही, जो महाप्रसाद यहीं लीजो। पाछे श्री गुसाई जी भोजन को पधारे। सो सब भोजन करी चुके, तब आचमन करी के बीड़ा आरोगे, गादी ऊपर भी राजे। ता पाछे उन वैष्णवन ने महाप्रसाद जूठन लीनो। पाछे पांच सात दिन श्री गोकुल में रही के पाछे श्री गुसाई जी सो विनती करी, महाराज की आज्ञा हुई तो ब्रज यात्रा करें। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो आछो करी आओ। तब वे दो ब्रज यात्रा करी के श्रीनाथ जी द्वार आए। श्रीनाथ जी के दर्शन करी के पाछे फेरी श्री गोकुल आए। सो श्री नवनीत प्रिया जी के सेन के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी कथा कहन लागे। सो इन वैष्णवन ने श्रीमुख के वचन सुने। पाछे कथा होई चुकी, तब दो वैष्णवन ते श्री गुसाई जी ने पूछी, जो वैष्णव तुम कब आए? तब उन कही, जो महाराजे धीराज श्री नवनीत प्रिया जी के सेन के दर्शन किए। पाछे वे दो वैष्णव उठी के अपने डेरा गए। पाछे पांच सात दिन श्री गोकुल में रही के पाछे वे दो वैष्णव श्रोता और वक्ता इनने विचार कियो, जो ब्रज में कोई एकांत स्थल हुई तहाँ चलो। तब वे दो जने श्री गोकुल ते चले और उन दो उनकी स्त्री श्री गोकुल में रही। पाछे वे दो श्रोता और वक्ता सुंदर एकांत स्थल देखी के वहाँ बैठे, सो भगवत वार्ता करन लागे। सो श्रोता सुने और वक्ता कहे, सो दो जने भगवत रस में लीन भये। सो उन दो उनको देह अनुसंधान कछु न रहे, सो कछु लौकिक संबंधी कछु देह को बाधा न करे। सो ऐसे करत 40 दिन बीते। पाछे एक दिन ग्वारिया गाई चरावन आवते। सो उनने कही, जो ये दो महापुरुष हैं, देखो इनको 40 दिना भये, कछु अन्न जल लीनो नाही। ताते इनको कछु दूध दे ही तो आछो। पाछे इन ग्वारियान ने अपने लोटा में गऊ के दूध सो लोटा भरी के उनके आगे धरियो। तब उन वैष्णवन ने कही,
जो भगवत इच्छा ते आए प्राप्त भयो है। तब उन वैष्णवन ने भोग धरी के वह प्रसादी दूध लियो, पाछे भगवत वार्ता करन लागे। सो ऐसे ग्वारिया नित्य दूध दे जाए, सो उतनो दूध लेनो, और बैठे भगवत वार्ता करनी, सो ऐसे करत 6 महीना व्यतीत भये। ता पाछे एक दिन उन दो वैष्णवन की भगवत वार्ता करत देह छूटी गई, दो भगवत लीला में प्राप्त भये। पाछे उनकी देह को जीव जंतु भक्षण करी गए और उनके अस्थि वहाँ परी रहे। पाछे उन दो उनकी स्त्री श्री गोकुल में हती, सो दो जनी उनको ढूंढत ढूंढत वाही ठोर जाई निकली। सो देखो तो वहाँ उन ग्वारियन गाय चरावत हतो। तब इन वैष्णव बाईन ने वह ग्वारियन ते पूछी, जो यहाँ कोई दो ही वैष्णव देखे हैं? तब उनने कही, जो हाँ हाँ दो ही वैष्णव यहाँ बैठे हते। सो हमने 6 महीना ताई देखे, पाछे उन दो जनेन की देह छूटी गई। ऐसे ग्वारियन ने कही। तब उन वैष्णवन की स्त्री ने पूछी, जो वे कहाँ बैठे हते? तब उन ग्वारियन ने वह स्थल बतायो, सो वहाँ देखे तो अस्थि परी है। तब उन स्त्री ने कही, जो अब कैसे खबरी परे? तब वह श्रोता की स्त्री ने कही, जो मैं तो अपने पति की अस्थि पहचान लेऊंगी। तब उन वक्ता की स्त्री ने कही, जो कैसे पहचानोगी? तब श्रोता की स्त्री ने कही, जो मेरे पति तो श्रोता हैं, सो भगवत वार्ता सुनी के उनकी अस्थि में छेद पड़े हैं। पाछे श्रोता की स्त्री ने छेद वारे अस्थि सब बीनी लीने, और वक्ता की स्त्री ने बिना छेद के लीनी। पाछे उन दोन को अग्नि संस्कार कीनो। पाछे वे दो स्त्री श्री गोकुल में आए रही, और वे दो वैष्णव नित्य लीला में जाई प्राप्त भये। भाव प्रकाश, यह वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव को भगवत वार्ता या प्रकार कहनी सुननी, काहे ते जो भगवत वार्ता स्वरूपात्मक है, ताते उनको प्रीति पूर्वक हृदय में धारण किए ते देह के अध्यास सब छूटी जात हैं। सो भगवत वार्ता ऐसो पदार्थ है। सो वे श्रोता और वक्ता दो श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक श्रोता और वे एक वक्ता दोनों राजनगर असारवा में रहते, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम वचन माधुरी और श्रवण माधुरी है। ये श्री चंद्रावली जी की सखी हैं। ये दोनों का जन्म राजनगर में बनियान के घर हुआ। तब दोनों के घर भाईला कोठारी के घर के पास में ही थे। इन दोनों में बालपन से ही प्रेम था और ये संग में रहते थे और कथा सुनते। फिर दोनों का ब्याह हुआ। फिर कुछ दिन बाद माता पिता मरे। तब ये दोनों भाईला कोठारी के घर नित्य जाने लगे, वहाँ भगवत वार्ता सुनते। तब इनको श्री गुसाई जी के स्वरूप में प्रेम हुआ। फिर जब श्री गुसाई जी आप राजनगर में पधारे, तब इन दोनों को और इनकी स्त्रियों को आपने नाम निवेदन कराया। फिर ये दोनों भाईला कोठारी के घर नित्य भगवत वार्ता सुनने जाते और फिर घर आके दोनों भगवत वार्ता करते। एक वक्ता बन के कहते और दूसरे श्रोता बन के सुनते। फिर कुछ दिन बाद ये दोनों अपनी स्त्रियों को संग लेके श्री गोकुल आए और श्री नवनीत प्रिया जी किए। फिर श्री गुसाई जी ने इनको महाप्रसाद की पातल धरवाई। फिर इन्होंने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज आप आज्ञा करो तो हम ब्रज यात्रा करें। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा दी। फिर ये ब्रज यात्रा करके श्रीनाथ जी द्वार आए। फिर श्री गोकुल आए और श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए और श्री गुसाई जी के दर्शन किए। फिर श्री गुसाई जी के श्रीमुख से दोनों ने कथा सुनी। फिर 5-7 दिन दोनों वहीं श्री गोकुल में रहे। फिर दोनों ने विचार किया कि यहाँ से कहीं एकांत स्थल में जाके भगवत वार्ता करते हैं। फिर दोनों श्री गोकुल से चले और दोनों की स्त्रियाँ वहीं श्री गोकुल में रही। फिर दोनों एक सुंदर एकांत स्थल भगवत वार्ता आरम्भ की। उसमें से एक श्रोता बन के सुनते और दूसरे वक्ता बन के कहते। ऐसे भगवत रस में लीन हुए और इनको अपने देह का कुछ भान भी न रहा। तब ऐसे 40 दिन बीते। वाले ने देखा कि ये दोनों महापुरुष हैं। इन्होंने इतने दिन से कुछ अन्न जल भी नहीं लिया है,
इसलिए आज मैं इनको कुछ दूध देता हूँ। ऐसा सोचकर वह ग्वारिया ने एक लोटा दूध भर के उन दोनों के आगे रख दिया। फिर कुछ देर बाद वह उन दोनों वैष्णवों ने देखा और कहा कि भगवत इच्छा से ये प्राप्त हुआ है। फिर उन दोनों ने वह दूध का वहीं से भोग धरा और फिर दूध लिया। फिर ऐसे वह ग्वारिया रोज दूध रख जाता और ये लेते और नित्य भगवत वार्ता में मग्न रहते। ऐसे 6 महीने बीते। तब दोनों वैष्णवों की देह भगवत वार्ता करते करते छूटी। तब उनकी देह को जीव जंतु भक्षण कर गए। फिर उन दोनों की स्त्रियां ढूंढती हुई उधर पहुंची। तब उन ग्वारिया से पूछा कि तुमने यहाँ कोई 2 वैष्णव देखे हैं? तब वह ग्वारिया ने कहा कि हाँ हाँ, यहाँ 2 वैष्णव 6 महीने से बैठे थे, पर अब उनकी देह छूट गई है। फिर वह ग्वारिया उनकी स्त्रियों को वहाँ लेकर गया जहाँ वह बैठ के भगवत वार्ता करते। तब कहा वहाँ अस्थि पड़ी है। फिर दोनों ने अपने अपने पति की अस्थि पहचानी। जिनकी अस्थि में छेद थे वह श्रोता वाली स्त्री ने बीनी, क्योंकि भगवत वार्ता सुनकर उनकी अस्थि में छेद पड़े थे, और वक्ता की स्त्री ने बिना छेद वाली बीनी। फिर दोनों का अग्नि संस्कार किया। फिर वह दोनों स्त्रियाँ श्री गोकुल में आकर रहीं। फिर वह दोनों वैष्णव नित्य लीला में प्राप्त हुए। यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि भगवत वार्ता स्वरूपात्मक हैं, जो उनको प्रेम से अपने हृदय में धारण करता है उनको उनके देह अध्यास सब छूट जाते हैं, तो वे श्रोता और वक्ता श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरण आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभ मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारु गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंदलाला। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।